सुनिएगा पहले शेर से ही जुड़िए कि चमकती ओस को दुधली जमी से इश्क हुआ, चमकती ओस को दुधली जमी से इश्क हुआ, पलक के बीच फंसी सी नमी से इश्क हुआ, निकाल देती है हर बार ही गलती मेरी, निकाल देती है हर बार ही गलती मेरी, वो खुश है कि गलत आदमी से इश्क हुआ, वो खुश है कि गलत आदमी से इश्क हुआ। और एक शेर और सुनिए कि अमावस में चाँद तो नज़र नहीं आता, अमावस में चाँद तो नज़र नहीं आता, सूरज समंदर की लेने कभी खबर नहीं आता। देखिए कैसे एटीट्यूड में भी कहा जा सकता है गज़ल को कि अमावस में चाँद तो नज़र नहीं आता, सूरज समंदर की लेने खबर नहीं आता, और मैं तेरा दोस्त हूँ कहीं आतिक न समझे ये दुनिया, इसलिए मैं तुझसे मिलने तेरे घर नहीं आता। और कुछ दिन आप देखे कुछ आगे बढ़िए तो दोस्त बड़े चक्कर में रहते हैं कि कौन है, क्या है, कैसा है, तो उनके लिए कि बदन के बाग को अब छान गए हैं शायद, यमक अलंकार में हमने कहने की बात कही है, ये कही है कि बदन के बाग को अब छान गए हैं शायद, हमारे फूल को पहचान गए हैं शायद, लोग अब जान लेके छोड़ेंगे। देखिए जान का कैसे प्रयोग है यमक में कि लोग अब जान लेके छोड़ेंगे, हमारी जान को अब जान गए हैं शायद। और एक शेर और सुनिए, सर आप जैसे महफिल ऐसे सजाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि इसमें जो भी करना है खुद ही करना है, लोग जो आते हैं वैसे ही आके चले जाएंगे, लेकिन सारे मेहनत आपकी और कुछ लोगों की ऐसी है तो मुझे लगता है कि अब काफ़ी बड़ा काम है। मैंने एक बार लिखा था कि रहेगा कौन यहाँ साथ हम भी देखेंगे, सर के लिए पूरी तरीके से सर को समर्पित है ये कि रहेगा कौन यहाँ साथ। कुछ लोग हो सकता है कि पीठ पीछे कुछ बातें कहते हों इनके बारे में, तो मैं इनको समर्पित करता हूँ कि रहेगा कौन यहाँ साथ हम भी देखेंगे, लड़ेगा कौन मेरे बाद हम भी देखेंगे, रहेगा कौन यहाँ साथ हम भी देखेंगे, लड़ेगा कौन मेरे बाद हम भी देखेंगे, बुरे समय में देखते हो हिकारत की नज़र, तुम्हारी है ना एक औलाद हम भी देखेंगे। रहेगा कौन यहाँ साथ हम भी देखेंगे, साथ खुश होना होता है कि रहेगा कौन यहाँ साथ हम भी देखेंगे, लड़ेगा कौन मेरे बाद हम भी देखेंगे, और बुरे समय में देख सर की ओर देखिए कि बुरे समय में देखते हो हिकारत की नज़र, तुम्हारी है ना एक औलाद हम भी देखेंगे। और एक और कि रिश्ता हमने तोड़ दिया तो तोड़ दिया, रिश्ता हमने तोड़ दिया तो तोड़ दिया, अब अगली लाइन आप बोलिए कि रिश्ता हमने तोड़ दिया तो तोड़ दिया, जिसको हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कि रिश्ता हमने तोड़ दिया तो तोड़ दिया, जिसको हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तुमको क्या लगता है फिर से लौटूंगा, तुमको क्या लगता है फिर से लौटूंगा, दरिया हूँ रुख मोड़ दिया तो, क्या लगता है फिर से लौटूंगा, दरिया हूँ रुख मोड़ दिया तो मोड़ दिया। अब कुछ मैं एक तो गीत पढ़ने का मूड था बट मैं कुछ मुक्तक पढ़ के और अपना स्थान लूंगा, सुनिए जो पढ़ना है पढ़ो यार। अच्छा एक आध मुक्तक पढ़ देते हैं आप अनुमति दीजिए, सुनिए हाँ सुनिए तब कि बिन बसंती के उपवन अधूरा सा था, बिन बसंती के उपवन अधूरा सा था, बिन छुए जुल्फ सावन अधूरा सा था, और पाके सब कुछ भी कुछ तो कमी सी लगी, पाके सब कुछ भी कुछ तो कमी सी लगी, बिन तुम्हारे ये जीवन अधूरा सा था, बिन तुम्हारे ये जीवन। और इश्क में जब रहते हैं तो कहाँ कहाँ टाइम जाता है, एक मुक्तक उस पे लीजिए कि बेवजह बेवजह वक्त सब पर लुटाए यहाँ, बेवजह वक्त सब पर लुटाए यहाँ, तेरी खातिर ही सबसे निभाए यहाँ, तेरी खातिर ही सबसे निभाए यहाँ, ये इबा
इबादत है इसमें ये क्या सोचना, ये इबादत है इसमें ये क्या सोचना, इश्क में खुद को खोए या पाए यहाँ में। और एक बड़ा मुझे कुछ महसूस हुआ तब हमने लिखा कि आप प्रेम जिससे करते हैं अचानक जब आप योग्य होते हैं कि प्रेम उनसे करें तो वो शायद दुनिया में नहीं रहते। तब मुझे मैंने ये लिखा था कि अपनी कश्ती को पतवार देना सके, अपनी कश्ती को पतवार देना सके, एक ख्वाहिश को आकार देना सके, प्यार करना तो जिससे सीखे मगर, प्यार करना तो उनसे सीखे मगर, और उनको ही हम प्यार देना सके। एक और सुनिए कि चांदनी ने निखारा बहुत देर तक, इसमें बहुत देर तक आप चाहें तो बोलें कि चांदनी ने निखारा बहुत देर तक, चमक पाए सितारा बहुत देर तक, जानकर भी समंदर के तैराक हैं, जानकर भी समंदर के तैराक हैं, उसने दिल में उतारा बहुत देर चांदनी ने निखारा बहुत देर से, चमक पाए सितारा बहुत देर से, जानकर भी समंदर के तैराक हैं, उसने दिल में उतारा बहुत देर से। और एक और बहुत देर से पे सुनिए कि प्यासे को जल पिलाया बहुत देर से, फूल दिल का खिलाया बहुत देर से, उस खुदा से शिकायत रही तो यही, उस खुदा से शिकायत रही तो यही, मुझको तुझसे मिलाया बहुत देर से, मुझको तुझसे मिलाया बहुत देर से, मुझको तुझसे मिलाया बहुत देर से। एक अगर अनुमति हो तो गीत पढ़ दें। गीत में देखिए आप लोग साथ दीजिएगा तभी उतनी देर तक गीत चल पाएगा। उसमें आप लोग तालियों का ताल दीजिएगा। एक दो बंद मुश्किल से सुनाएंगे और ये बंद मेरा निजी है, गीत मेरा निजी अनुभव है। जब हम तैयारी करते हैं बाहर निकलते हैं तो यहाँ क्या होता है, और गांव के लोगों को ये लगता है कि दिल्ली में रह रहे हैं तो बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं, वहाँ पे जो रहते हैं कहाँ, हम लोग पिछड़े गांव में हो गए और ये लोग शहर में बड़े। लेकिन शहरों की चुनौतियाँ क्या हैं, इस पे हमने गीत लिखा है। एक दो बंद सुनाऊँगा, आप लोग तालियों का ताल दीजिएगा, सुनिएगा आप भी लोग। हमने कब सोचा था एक दिन यूं बेघर हो जाएंगे, हमने कब सोचा था एक दिन यूं बेघर हो जाएंगे, मंजिल की चाहत में हम गुमनाम सफर हो जाएंगे, पीठ में खंजर चुभा था लेकिन चेहरे पर मुस्कान था, पीठ में खंजर चुभा था लेकिन चेहरे पर मुस्कान था, और उन्हें लगता था मेरा ये जीवन आसान था, और उन्हें लगता था। आप लोग इसमें बोल सकते हैं कि और उन्हें लगता था, और उन्हें का मतलब संबोधन आप समझ रहे हैं। बंद सुनिए कि एक सपने की जिदने जाने कितने सपने तोड़ दिए, अनजाने से अनचाहे से शहर में ला कर छोड़ दिए। अब तो एक अच्छी खासी टीम हो गई है, लेकिन जब शुरुआत में आओगे हम अकेले आए थे। कि एक सपने की जिदने जाने कितने सपने तोड़ दिए, अनजाने से अनचाहे से शहर में ला कर छोड़ दिए, टूटन घुटन सुनिएगा कि टूटन घुटन तड़पन या है उदासी उब अपमान था, और उन्हें लगता था मेरा ये जीवन आसान था, और उन्हें लगता था। अगला बंद सुनिए और इसमें आप चाहें तो तालियों का ताल दे सकते हैं कि कील धसे पांवों को लेकर,
कील दसे पांवों को लेकर पर्वत चढ़ने निकले थे, कील दसे पांवों को लेकर पर्वत चढ़ने निकले थे, कवच मोम का पहने हम सूरज से लड़ने निकले थे, कवच मोम का पहने हम सूरज से निकले निकले थे, हिम्मत छलनी हुआ पड़ा था जज्बा लहू लुहान था, और उन्हें लगता था मेरा ये जीवन आसान था, और उन्हें लगता था मेरा ये जीवन आसान था। और कैसे कैसे लोग शहर में ठग देते हैं हमें पता नहीं होता, तो उसको देखिए मैंने एक प्रतीक के माध्यम से बात कहने की कोशिश की है कि उम्मीदों की लौ पर सब भर, उम्मीदों की लौ पर सब भर, परवानों सा जला बहुत, उम्मीदों की लौ पर सब भर, परवानों सा जला बहुत, लेकिन प्यासी आँखों को मृग तृष्णाओं ने छला बहुत, ख्वाहिश की फसलों को बंजर करता रेगिस्तान था, और उन्हें लगता था मेरा ये जीवन आसान था। आखिरी बंद है, इसमें कई बंद है लेकिन मैं आखिरी सुना रहा हूँ अब, कि सींच के आंसू पे पर, सींच के आंसू से पत्थर पर एक गुलाब खिलाना था, सींच के आंसू से पत्थरों पे फूल बहुत कम खिलते हैं या ना खिलते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे स्थितियाँ क्या हैं, कि सींच के आंसू से पत्थर पर एक गुलाब खिलाना था, आधी के आंगन में जिद थी हमको दीप जलाना था, एक तरफ टूटा छप्पर था एक तरफ तूफान था, और उन्हें लगता था मेरा ये जीवन आसान था, और उन्हें लगता था मेरा ये जीवन आसान था, ये जीवन आसान था।